वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डब्ल्यूएच फैमिली। यह डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन बनाते समय हम लोग व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इन सभी वर्ड शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज डब्ल्यूएच फैमिली में से हम दो मेंबर्स को हम निकाल करके आज हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट एल्स एंड व्हाट अबाउट। ओके, व्हाट एल्स और व्हाट अबाउट के बारे में, ठीक है। व्हाट एल्स का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और क्या के सेंस में, और क्या, जैसे कि हम किसी से बात, कोई हमें कोई बातें बता रहा है और हमें बोलते हैं और क्या, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट एल्स। और अगला जो पॉइंट है व्हाट अबाउट, या व्हाट अबाउट, यानी कि अगर हमें बोलना होगा कि आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ते हैं, तो यहां हम लोग व्हाट अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट अबाउट डू यू लर्न इन इंग्लिश, ओके। इस तरह का जो है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनसे हम लोग कुछ सेंटेंसेस बना करके उसका यूज और उसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। जय स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एल्स का इस्तेमाल। यहाँ अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट एल्स का इस्तेमाल, यानी कि अब इससे हम लोग कुछ इस व्हाट एल्स से संबंधित कुछ सेंटेंसेस को हम लोग देखते हैं। व्हाट एल्स डू यू लर्न विथ इंग्लिश, आप इंग्लिश के साथ और क्या पढ़ते हैं। What else are you talking with Neha? What else should we eat in the morning? What else can you do? What else should you buy? What else should you buy? तो यहां पर देखिए, आपको और क्या खरीदना चाहिए, आप और क्या कर सकते हैं, इस तरह का जो सेंटेंसेस है हम लोग इस्तेमाल हम लोग इसे अपने डेली टॉकिंग में हम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का व्हाट एल्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आगे जो अगला जो पॉइंट है व्हाट अबाउट। ओके, व्हाट अबाउट के बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं व्हाट अबाउट, यानी क्या क्या, है ना। देखिए, व्हाट अबाउट का जो अर्थ होता है कि हम लोग बहुत ही अलग अलग जगहों पे करते हैं, जैसे किस बारे में भी हम लोग इस तरह का भी कोई सेंस रहता है तो व्हाट अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका जो यूज पढ़ेंगे क्या क्या, है ना। व्हाट अबाउट क्या क्या, What about do you talk in English? आप अंग्रेजी में क्या क्या बात करते हैं। What about do you take with juice? आप जूस के साथ क्या क्या लेते हैं। What about do you play? आप क्या क्या खेलते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है हम लोग व्हाट अबाउट का इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें केवल ट्रांसलेट बनाना ही नहीं सीखना है, बल्कि हमें यहाँ पर हमें स्पीकिंग करना सीखना है। यानी कि इसलिए हमने इसे हिंदी पे नहीं लिखा, क्योंकि हमें केवल इंग्लिश ही पढ़ना है एंड हमें इंग्लिश बोलना है। ओके, तो ये रहा व्हाट अबाउट और व्हाट एल्स के बारे में। तो आज का जो होमवर्क है, आज का जो आप लोगों का होमवर्क होगा, व्हाट एल्स और व्हाट अबाउट, व्हाट एल्स और व्हाट अबाउट का यूज करके 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं।